हमें इस वेल्डिंग मशीन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि दिवाली पे सब अनार से ही चीजों को पिघलाने लगे। हाँ, हमारे पास भी एक टूटी फूटी टेबल है तो मैं सोच रहा था कि ना इसी को वेल्ड कर दिया जाए। याद रखना, अनार फट भी सकता है, इसलिए हमने इसको बड़ी सावधानी से किया। अनार का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, देखने में तो लग रहा था हमारी टेबल वेल्ड हो गई, लेकिन नहीं। वैसे मेटल को पिघलाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसे देखो, स्टील वूल, ये भी स्टील से बनी है, लेकिन इसको जलाने के लिए तो सिर्फ हल्की सी आग की जरूरत पड़ती है और ये जलने लगती है। अभी तुम्हें ज्यादा समझ में नहीं आएगा, अभी रुको। रात के समय हमने इसको जलाकर ड्रोन के साथ बांध दिया। हाँ, अब हुई ना आग की बारिश, ये देखने में कमाल का था।